भाजपा महानगर व जिला के कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में टाउन हॉल स्थित नगर निगम परिसर से विरोध प्रदर्शन के रूप में पदयात्रा निकालकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान करने वाले पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का जिलाधिकारी कार्यालय पर पुतला फूंका, जिसके संबंध में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो द्वारा अमर्यादित टिप्पणी करने से पूरे देश भर के जनमानस में भारी रोष होने के कारण देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के क्रम में महानगर व जिला के पदाधिकारियों के संयुक्त तत्वावधान में कार्यकर्ताओं के साथ विरोध प्रदर्शन कर पाकिस्तान के विदेश मंत्री का पुतला फूंक कर विरोध किया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी पाकिस्तान को भारी पड़ेगा। पाक विदेश मंत्री की अमर्यादित टिप्पणी विकृत मानसिकता का द्योतक, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो द्वारा न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई अमर्यादित टिप्पणी से भाजपा कार्यकर्ता मर्माहत और गुस्से में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के हर नागरिक के लिए गौरव के प्रतीक है। आज दुनिया में उनकी धमक है। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने भारत की धाक दुनिया में जमाई है। ऐसे ख्याति प्राप्त प्रधानमंत्री पर अमर्यादित टिप्पणी असहनीय है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। मोदी विश्व के सर्वमान्य नेता माने जाते हैं। इस अवसर पर भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह, चौरी चौरा विधायक श्रवण निषाद, प्रदेश उपाध्यक्ष पिछड़ा मोर्चा चिरंजीव चौरसिया, महामंत्री देवी श्रीवास्तव, इंद्रमणि उपाध्याय, अच्युतानंद शाही, ओम प्रकाश शर्मा, मनोज अग्रहरी, अवधेश अग्रहरी, गौरव तिवारी, रणविजय शाही, रमेश प्रताप गुप्ता, दयानंद शर्मा, जितेंद्र चौधरी, जीतू पद्मा गुप्ता, ब्रजेश मणि मिश्रा, शिवम पांडे, अशोक गुप्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा अनुराग मचवार, सत्यार्थ मिश्रा, कृष्ण कुमार, श्वेता श्रीवास्तव, सुरेंद्र चौबे, अजमेर आलम, रमेश चंद्र गुप्ता, नवीन पांडे बच्चा, KM मझवार, उमेश अग्रहरी, जितेंद्र बहादुर चंद, प्रेमनाथ शुक्ला, अमृतलाल भारती, अनूप किशोर अग्रवाल, सिद्धांतो घोष, सत सुकृत्य, अजय मणि त्रिपाठी, अश्वभुजा श्रीवास्तव, रूपेश गुप्ता, सूर्य प्रकाश शर्मा, आनंद अग्रहरी, छोटे लाल पासवान, अमितेश्वर पांडे, चंद्रपाल सिंह राय, अमिता गुप्ता, अमिताभ त्रिपाठी, अटल, अजय गुप्ता बजरंगी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला और उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन एवं भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा।
रास्तों में। पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और उसकी प्रकृति आतंकवाद की है। वहाँ पर भारत सरकार ने जिस प्रकार से पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित किया, एस जयशंकर जो भारत के विदेश मंत्री हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को जिस प्रकार से आतंकवादी गतिविधियों के लिए लथाड़ा, बाहर आकर के पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कुछ बातें ऐसे कही जो निश्चित रूप से भारत के प्रधानमंत्री के लिए उचित नहीं था। उन्होंने 71 को नहीं याद किया, जिस 71 में भारत ने सैनिकों ने 1,00,000 पाकिस्तानियों को बांग्लादेश और जब लड़ाई हुई थी तो उसमें आत्मसमर्पण करा था। उस समय भुट्टो साहब रो रहे थे जो उनके नाना थे, लेकिन इन्होंने अपनी व्यक्तिगत लोकप्रियता बढ़ाने के लिए हम भी कुछ कह सकते हैं। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो पूरे विश्व में आज जिसकी गणना हो रही है, पूरे विश्व के एक छत नेता के रूप में जाना जाता है, श्री नरेंद्र मोदी, उनके विषय में जो शब्द कहे उसमें पूरा देश आज उद्वेलित है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उद्वेलित है, हम सभी लोग क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में यहाँ आकर करके जो है जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किए हैं, पुतला जलाए हैं और पाकिस्तान को ये संदेश दिए हैं कि वह सुधर जाए, अन्यथा निश्चित रूप से जा करके पाकिस्तान के अंदर भारत सुधारने का काम करेगा। आज बिलावल भुट्टो जो पाकिस्तान का विदेश मंत्री है, उन्होंने न्यूयॉर्क में जो है अपने प्रधानमंत्री परम आदरणीय खिलाफ नरेंद्र मोदी जी हम सब के आदर्श हैं और पूरे विश्व का जो है नेतृत्व भी करते हैं, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द का निकालना ये एक निंदनीय है, घोर पाप का काम है ये। और ऐसा निंदा शब्द, निंदनीय शब्द को निकालने के पहले जो सोचना चाहिए और उसके बाद फिर बोलना चाहिए। तो अभी आगे से भी इस बात को ध्यान दें बिलावल भुट्टो कि कभी भी किसी के खिलाफ, अच्छे लोगों के खिलाफ कभी निंदनीय बात न करें, सदैव अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। और पाकिस्तान तो शुरू से ही तमाम अनैतिक कार्य किया और तमाम आतंकवादियों को भी शरण दिया है और आगे भी चेत ले कि ऐसे निंदनीय शब्दों का कभी पुनः पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो नेतृत्व कर रहे तमाम जो उनके नेता लोग हैं वो लोग भी कभी इस तरह की बातें न करें। आगे सोचें कि मैं किसके के लिए क्या शब्द बोल रहा हूँ, मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए और आगे से ये बात का जरूर ध्यान दें। मैं उसकी निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ और ऐसा भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी कि ऐसे गंदे शब्दों का इस्तेमाल करना पाकिस्तान को शोभा दे। तो मैं एक बार पुनः पाकिस्तान मुर्दाबाद देते हुए और उनकी भर्त्सना करता हूँ। भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो केवल देश के हमारे प्रधानमंत्री नहीं हैं, आज दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से हैं और उनके खिलाफ पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने जो अमर्यादित टिप्पणी की है, आज पूरे देश भर में लोग सड़कों पर उतर करके विरोध कर रहे हैं। उसी के क्रम में गोरखपुर में भी सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता शुभचिंतक यहाँ निकल करके पाकिस्तान के खिलाफ, उनके विदेश मंत्री के खिलाफ नारे लगाते हुए यहाँ विरोध प्रदर्शन किए हैं ताकि आने वाले दिनों में कोई भी हमारे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ इस प्रकार की हिमाकत न कर सके और उनके खिलाफ इस प्रकार के अमर्यादित शब्दों का प्रयोग न करें। भारतीय जनता पार्टी और यहाँ सभी देशभक्त शुभचिंतक पाकिस्तान के विदेश मंत्री के अमर्यादित बयान की भर्त्सना करता है और उनकी निंदा करता है।